जो एक हमने कार्ड लेना है वो किंग होगा और जो दूसरा कार्ड लेना है वो क्वीन होगा। अब टोटल कार्ड्स हमारे हैं 52, इसमें से कितने कार्ड ड्रा करें हम? दो। ये क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज के अंदर दिया हुआ है। 52 कॉम्बिनेशन 2 करेंगे तो 1326 जो है इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर पे हमने क्या करना है, हम इसको इस तरह से मेंशन करेंगे। सबसे पहले आपने 52 लिखना है और साथ में ये अल्फ़ा का बटन दिया है उस पर एन सी आर लिखा हुआ है वो प्रेस करेंगे। उसके बाद हमने जितनी ऑब्जेक्टिविटी लेनी है इसकी वो ले लेंगे तो हमारे पास 1326 जो है इसका जवाब आ जाएगा। उसके बाद वन इज़ किंग एंड अदर इज़ क्वीन था। किंग हमारे टोटल चार होते हैं, चार में से एक ले लेना है, बाकी क्वीन भी चार होती हैं उनमें से एक ले लेना है, और जो बाकी 44 बच गए उनमें से कोई भी कार्ड हम नहीं लेंगे। उसकी रीज़न ये है कि हमारे दो कार्ड्स थे और दो के दो कार्ड पूरे हो चुके हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 52 कॉम्बिनेशन 2, ये नंबर ऑफ एस था हमारा बेसिकली। उसके बाद हमने इसकी प्रोबेबिलिटी को जब कॉम्बिनेशन लेके फाइंड करना है तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा 16 को जवाब पे डिवाइड करेंगे 0.0120 इसका आंसर आ जाएगा। अब है बोथ आर ऑफ द सेम कलर। सेम मीन कलर हमारे पास दो तरह के होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं 26 रेड होते हैं। बोथ आर ऑफ द सेम का मतलब है कि 26 में से दो आ जाएंगे, जो बाकी 26 हैं चाहे वो ब्लैक हों चाहे रेड हो उसमें से हमने कोई भी नहीं लेना। तो 52 कॉम्बिनेशन 2 किया, इसका जवाब जो है वो 0.2450 आ जाएगा। उसके बाद है बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर, दोनों अलग अलग कलर के हैं, यानी कि जो रेड हैं उनमें से एक ले लेना है और जो ब्लैक है उनमें से एक ले लेना है। 1326 पे डिवाइड किया 0.509 जो है वो इसका जवाब है।